हमारे इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा यूनिवर्स YRF स्पाई यूनिवर्स, जो लगातार अपने यूनिवर्स के अंदर बड़े बड़े कदम उठा रहा है और बहुत सारे बड़े बड़े सुपरस्टारों को अपने इस यूनिवर्स के अंदर ला रहा है। क्योंकि स्पाई यूनिवर्स के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा, जो कि अपने इस यूनिवर्स को सबसे बड़ा यूनिवर्स बनाना चाहते हैं, इसलिए वो लगातार अपने स्पाई यूनिवर्स के अंदर बड़े बड़े चेंजेस ला रहे हैं। और अब तक का उनका सबसे बड़ा चेंजेस था कि सलमान खान का टाइगर वाला किरदार, जो कि स्पाई यूनिवर्स की सभी फिल्मों के अंदर कैमियो सीन में नजर नहीं आएंगे, क्योंकि पठान फिल्म से पहले सलमान खान जो कि स्पाई यूनिवर्स की सभी फिल्मों के अंदर अपना कैमियो सीन निभाया था, और सभी पब्लिक जो कि टाइगर के किरदार को बार बार देखकर स्क्रीन पर बोर हो जाती है, इसलिए अब सलमान खान के टाइगर वाले किरदार को टाइगर वर्सेस पठान फिल्म के अंदर ही दिखाया जाएगा। और इसके बाद स्पाई यूनिवर्स के अंदर आलिया भट्ट, सरवरी वाघ और इसी के साथ साथ लॉर्ड बॉबी देओल की भी एंट्री हो चुकी है, क्योंकि वॉर 2 फिल्म के बाद हमें स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म आलिया भट्ट की अल्फा देखने को मिलने वाली है। और आलिया भट्ट की इस फिल्म के अंदर लॉर्ड बॉबी देओल विलन के किरदार में नजर आने वाले हैं। और वहीं वॉर 2 फिल्म से जूनियर NTR और कियारा आडवाणी भी स्पाई यूनिवर्स के अंदर एंट्री मार देगी। और अभी स्पाई यूनिवर्स को लेकर के एक और बड़ी अपडेट आई है, क्योंकि अब अनिल कपूर भी स्पाई यूनिवर्स के अंदर हमें नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब अनिल कपूर भी हमें स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 फिल्म के अंदर देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अनिल कपूर ने आदित्य चोपड़ा के कहने पर वॉर 2 फिल्म को साइन कर लिया है। और अब अनिल कपूर वॉर 2 फिल्म के अंदर रिसर्च एंड ऑपरेशन विंग के किरदार में नजर आने वाले हैं, क्योंकि अब अनिल कपूर भी स्पाई यूनिवर्स के अंदर आकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। और अनिल कपूर का किरदार सभी स्पाई वाले किरदारों जैसे टाइगर, पठान और कबीर का कैप्टन होने वाला है, जो टाइगर की फिल्म के अंदर टाइगर को कंट्रोल करेंगे और पठान की फिल्म के अंदर पठान को कंट्रोल करेंगे। और स्पाई यूनिवर्स के लिए अनिल कपूर का सबसे महत्वपूर्ण किरदार होने वाला है, क्योंकि अनिल कपूर का यही किरदार स्पाई यूनिवर्स की सभी फिल्मों को आपस में जोड़ने वाला है। और इसीलिए स्पाई यूनिवर्स के अनिल कपूर ने 3 और फिल्मों को साइन कर लिया है, जिसमें सबसे पहले अनिल कपूर स्पाई यूनिवर्स की वॉर 2 फिल्म के अंदर ऋतिक रोशन, कियारा आडवाणी, जूनियर NTR के साथ अहम भूमिका में नजर आने वाले हैं। और इस फिल्म के बाद अनिल कपूर आलिया भट्ट की अल्फा फिल्म के अंदर नजर आने वाले हैं। और फिर इसके बाद अनिल कपूर की तीसरी फिल्म शाहरुख खान की पठान 2 होने वाली है। और अभी तक अनिल कपूर ने स्पाई यूनिवर्स की 3 फिल्मों को ही साइन किया है, जिन सभी फिल्मों के अंदर अनिल कपूर रिसर्च एंड ऑपरेशन विंग के किरदार में नजर आने वाले हैं। और अनिल कपूर का ये किरदार जो कि स्पाई यूनिवर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण किरदार होने वाला है, क्योंकि अनिल कपूर का ये किरदार जो कि स्पाई यूनिवर्स की सभी फिल्मों को आपस में जोड़ने का काम करेगा। तो जिस तरह स्पाई यूनिवर्स अपने अंदर बहुत सारे सुपरस्टारों को ला रहा है और इसी के साथ साथ दमदार और यूनिक कहानी वाली फिल्में बना रहा है, तो अगर हम इन सभी को मिलाकर देखें तो अब स्पाई यूनिवर्स जो कि सबसे बड़ा यूनिवर्स बनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आपकी इसके ऊपर क्या राय है मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू। कि सलमान खान वाला टाइगर, कि सलमान खान टाइगर।